अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी 5 डेड इन्वेस्टमेंट्स इन बैरियटन कराची। अच्छा, इस वीडियो पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ और बहुत सारे लोगों ने मेरे इस मैसेज को पॉजिटिव भी लिया, थैंक यू सो मच। लेकिन जिन लोगों ने नेगेटिव लिया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उनको भी बहुत शुक्रिया, उनके लिए भी मैं समझता हूँ, मैं उनसे बहुत सीख रहा हूँ। लेकिन जो डेड इन्वेस्टमेंट्स थी, उसका करना क्या है, मैंने क्यों बोला, मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि एक लंबे अरसे तक जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्टक हो चुकी हैं, यानी उसको मैंने डेड इन्वेस्टमेंट कहा था। और टाइम की एक वैल्यू होती है, जो लोग उसको समझते हैं, कंसीडर करते हैं और भांप लेते हैं, वो आई बिलीव के उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ बहरिया टाउन में जिन जिन लोकेशंस पे आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको खातिर खा कोई प्रॉफिट नहीं दे रही, रेंटल्स नहीं दे रही या वो मच्योर नहीं हो रही, आप लोग उनको एडजस्टमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बात की थी प्रिसिंग 32 ABCD की, वैली ब्लॉक की, प्रिसिंग 61-62 की, और इसके अलावा जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल बेरिया पैराडाइज या स्पोर्ट्स सिटी के एरियाज़ के प्लॉट थे, इसके अलावा प्रिसिंग 23A के विलास और दीगर ऐसी लोकेशन जो 100% डेवलप तो हैं लेकिन उनकी खातिर खा कोई भी यानी कोई आप ये कह लें कि वैल्यू नहीं है या चीज़ें कंसीडर नहीं हो रही या अप्रिशिएट नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को अगर आप मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं, यू कर कॉन्टैक्ट में, यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।